हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 3.1 देख रहे हैं, रिलेटेड विथ एटमॉस्फियर। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे ब्रॉडली हम देखे हैं तो 5 रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है। देन हम इसको रिलेट भी किया था मार्स के ऊपर, हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया था। मार्स ऑर्बिटल मिशन के अंदर कौन से इक्विपमेंट हमने रखा था, वो क्या क्या मेजरमेंट करने वाला है, वो हमने देखा था लास्ट टाइम। अभी हम देखेंगे अर्थ के एटमोसफेयर का ओरिजिन कैसे हुआ एंड अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ। ओरिजिन ऑफ अर्थ एटमोसफेयर हम देखेंगे तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर का जब फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ वाज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। सो ये ओवरऑल ट्रांजिशन अकर कैसे हुआ एंड कौन से फोर्सेस थे, कौन से इवेंट थे जिन्होंने इस ट्रांजिशन को इफेक्ट दिया। सेकेंड हम देखेंगे अर्थ के ऊपर लाइफ इवॉल्व कैसे हुआ। इसके अंदर दो चीज़ हमें ध्यान देना है। एक चीज़ हमें ध्यान देना है क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ इवॉल्व हुआ। नंबर टू हमें ध्यान देना है वो क्या स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसमें अर्थ में लाइफ इवॉल्व हुआ। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं तो ये 5 गैसेस था। अगर हम प्राइमरली देखें डेट इज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर का कंटेंट था 60-70%, कार्बन डाइऑक्साइड वाज 10-15% एंड नाइट्रोजन एमोनिया के फॉर्म में, विच इज NH के फॉर्म में 8-10%। बट इसमें कहीं पे भी आपको फ्री ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। सो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। सो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हमारा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। देन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर हम देखते हैं तो वहाँ पे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैस है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर एंड प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो आप देखेंगे हमारा ट्रांजिशन अकर होता है फ्रॉम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर टू प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। अब रीज़न क्या है ये ट्रांजिशन अकर होने के पीछे, क्या रीज़न थे जिसके वजह से हमारा एटमॉस्फेयर का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम प्रिमिटिव टू प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा एटमॉस्फेयर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा देन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है एंड जब फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा देन हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है। अब हम देखते हैं कि ये ओवरऑल ट्रांजिशन अकर कैसे हुआ और सिक्वेंसली ये क्या क्या इवेंट अकर हुआ जिसके वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर इस तरीके से हमें मिलता। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस था। तो हम देख रहे हैं ये अर्थ सरफेस है, इसका टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर क्योंकि बहुत हाई था जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं था। तो उस समय हम अर्थ देखते हैं अर्थ इनहैबिटेबल था। सो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ अभी से 5 बिलियन ईयर अगो तब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस था एंड अर्थ सरफेस पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं था, इट वॉज इनहैबिटेबल। अब इतने हाई टेम्परेचर पर हम देखते हैं अर्थ का रोटेशन होता है हाई स्पीड पर जिसकी वजह से अर्थ का कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब आप पूछेंगे अर्थ का रोटेशन क्यों हो रहा है, उस समय हम देखेंगे जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था देन सारा का सारा मासेस बहुत कम जगह पे कंसंट्रेटेड था तो ऐसे रिजल्ट ओवरऑल अर्थ का वॉल्यूम बहुत कम था। सो इट वाज रोटेटिंग एट वेरी हाई स्पीड तो कूलिंग स्टार्ट होता है। जब अर्थ का कूलिंग स्टार्ट होता है वाटर वेपर इन एटमोसफियर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन इज प्रोसेस व्हेन वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन होता है देन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड कंडेंसेशन का ही एक टाइप है। कंडेंसेशन के दूसरे टाइप हम देखते हैं ड्यू है, फ्रोस्ट है, फॉग है, मिस्ट है, ये आप आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे। देन उसके बाद क्लाउड जब सेचूरेट हो जाता है उसमें से रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का टाइप है देन प्रेसिपिटेशन अकर होता है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद वाटर अर्थ सरफेस पे आएगा लेकिन अर्थ सरफेस का टेम्परेचर तो 8000 डिग्री सेल्सियस है। वाटर जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इसका इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है।
ये प्रोसेस को हम देखते हैं, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इवोपरेशन, तीनों प्रोसेस 40,000 ईयर तक चलते रहता है। एंड इस टाइम पे हम देखते हैं अर्थ का टेम्परेचर सफिशेंटली कूल हो जाएगा। अब आप पूछेंगे अर्थ का टेम्परेचर सफिशेंटली कूल क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेन ड्रॉप्स अर्थ सरफेस पे फॉल हो रहा है एंड अर्थ सरफेस पे रेन ड्रॉप जब फॉल होगा उसका इवोपरेशन हो रहा है। तो इवोपरेशन होने के लिए कुछ तो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, तो वो हीट एनर्जी अर्थ सरफेस से आ रहा है, विच मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स अर्थ सरफेस से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एज ए रिजल्ट अर्थ सरफेस से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो अर्थ सरफेस का तो टेम्परेचर कम होगा। अब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर रिड्यूज होने लगता है, टेम्परेचर अर्थ सरफेस का रिड्यूज होने लगता है। सो एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ का टेम्परेचर सफिशेंटली रिड्यूज हो गया एंड देन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन अर्थ सरफेस पे फॉल होता है। इस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन में एक्सीडेंटली क्लोरोफिल क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया हमें मिलता है। सो क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया हमें इसके अंदर मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे ये क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया कैसे आया, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा अर्थ सरफेस पे लाइफ इवॉल्व कैसे करता है। अर्थ सरफेस पे लाइफ इवॉल्व करता है उसके लिए दो हमारे पास क्रेडिबल थियोरी है। वन थियोरी है डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थियोरी एंड अनदर म्यूटेशन थियोरी है। सो डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थियोरी ये कहता है अर्थ के ऊपर लाइफ ग्रेजुअली एंड सिक्वेंशियली इवॉल्व करता है, विच मीन्स हम अपने पेरेंट के जीन को कैरी करते हैं। सो हमारे पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा मोर और लेस वैसा ही सिमिलर नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगा। दूसरा हमारे पास म्यूटेशन है। म्यूटेशन ये कहता है हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होता है या कोई सडन इवेंट होता है जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर जीन का ऑल्टरकेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो अभी तक तो अर्थ के ऊपर कोई लाइफ फॉर्म था नहीं, फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया, तो हो सकता है यहाँ पे म्यूटेशन हुआ हो। जब हम ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट में किसी भी थियरी को देखते हैं यहाँ पे टाइम लैग बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट वहाँ पे क्या हुआ, बट हमें एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे कि हम अगर डिटरमाइन करना हो कि 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, उस दिन हम फ्री हुए थे, तो उस दिन हम किसी से पूछेंगे कि अच्छा बताओ आप पंजाब में थे 15 अगस्त 1947, तो आप बताओ उस समय क्या इंसिडेंट था, तो वो जो नरेट करेगा उससे हम इन्फर कर पाएंगे। लेकिन ये सारा इंसिडेंट अभी से 3 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन ईयर पहले हुआ है, तो हम कैसे इसको फिजिकली नरेट कर पाएंगे, तो हम एविडेंस ढूंढते हैं। तो अभी तक जो हमें एविडेंस मिला है वो ये कहता है अर्थ के ऊपर सबसे पहला लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया आया था एंड हो सकता है बैक्टीरिया म्यूटेशन के थ्रू अर्थ सरफेस पे आया था। एक बार बैक्टीरिया अर्थ सरफेस पे आता है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट भी करता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन हम रिलीज करते हैं। सो इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम एटमॉस्फेयर से CO2 ऐसे इनपुट लेंगे एंड ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। CO2 तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी अवेलेबल था, अब हम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में और एक्यूमुलेट होने के बाद हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बन जाता है। पहले हमारा एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था तो वहाँ पे तो कोई लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं था, अभी हम देखते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होता है अदर लाइफ फॉर्म्स अर्थ सरफेस पे आने लगते हैं, क्योंकि अदर लाइफ फॉर्म्स के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड वो अर्थ सरफेस में हमें मिल जाता है। सो इस वे में हम देखते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर का ट्रांजिशन हुआ एंड दूसरे लाइफ फॉर्म अर्थ सरफेस पे आ गए। अभी हमने देखा था किस तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग।
इसको हम छह प्रोसेस में, छह स्टेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेज के अंदर हम देखते हैं डेट वाज आवर प्रिमिटिव एटमॉस्फियर जो इनहैबिटेबल था। तो हमने वहां पे देखा था प्रिमिटिव एटमॉस्फियर में अर्थ का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस था। सो ये फायर की तरह रिजेंबल कर रहा था, तो बैकग्राउंड में मैंने फायर का पिक्चर रखा है ताकि हम इसको रिलेट कर पाएं। देन उसके बाद वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है बिकॉज अर्थ सरफेस एंड एटमोसफियर कूल होने लगता है, तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है एंड कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। बैकग्राउंड में मैंने क्लाउड रखा है ताकि हम इसको रिलेट कर पाएँ। देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन अकर होता है, क्लाउड सेचूरेट होगा, सेचूरेट होने के बाद प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जैसे कंडेंसेशन हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, क्लाउड का सेचुरेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अभी आपको क्या करना है, इस टर्म को जस्ट सुनना है एंड ब्रीफ में उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि कंडेंसेशन का मतलब है वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होना, प्रेसिपिटेशन का मतलब है स्काई में से रेन ड्रॉप और सरफेस पे फॉल होना या किसी और फॉर्म में फॉल होना। डिटेल वे में हम इसको सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे। ज्योग्राफी में प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम एक साथ सारे कंसेप्ट को समझने लगते हैं कन्फ्यूजन अकर होता है। हमें एक साथ सारे कंसेप्ट को नहीं समझना है, हमें सिक्वेंशियली कंसेप्ट को समझना है। अगर ये हम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं देन ज्योग्राफी को हम बहुत अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। सो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पेशेंस रखें एंड जैसे जैसे कंसेप्ट आएगा, हम उसके रिलेटेड चैप्टर आएगा, तब हम उसको देखते जाएंगे। देन प्रेसिपिटेशन होता है अर्थ के ऊपर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फॉल होता है। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस करेगा एंड देन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होगा एंड उसके बाद अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीन स्टेजेस में अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म हमें मिलते हैं, लेकिन अर्लियर तीन स्टेजेस में अर्थ के ऊपर हमें लाइफ फॉर्म नहीं मिलता है। सो ग्रीन कलर से मैंने इसको इंडिकेट किया है ताकि हम रिलेट कर पाएँ कि जब क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया आता है उसके बाद अदर लाइफ फॉर्म अर्थ सर्फेस पे आते हैं, बट फर्स्ट थ्री स्टेजेस पे नहीं अकर होता है। देन जो भी हमने अभी देखा था प्रीवियस दो स्लाइड में, अभी हम उसका ये डिटेल में हम देखते हैं। सो डिटेल में हम उसको टाइमलाइन के साथ अटैच करके देख रहे हैं। अभी से 3 से 5 बिलियन ईयर एगो अर्थ इनहॉस्पिटेबल था, मीन्स इनहैबिटेबल था। वहाँ पे डिफरेंट गैसेस थे, मीथेन, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बट फ्री ऑक्सीजन नहीं था। तो विच मीन्स अर्थ का एटमॉस्फेयर, इट वाज अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। फिर अर्थ का कूलिंग होता है एंड कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जो भी मेजर मेजर प्रोसेस है, मेजर मेजर इवेंट है, उसको मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने बोल्ड करके अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको रिलोकेट करने में इसको इजी पड़े। देन रेन अर्थ सरफेस पे आता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसके बाद अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म इवॉल्व होता है, विच इज़ बैक्टीरिया। अब हमने अर्लियर स्लाइड में देखा था ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का, हम कोई भी थियरी देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें एविडेंस देखना है कि वो कौन से एविडेंस है जो हमारे थियरी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम तो 5 बिलियन ईयर एगो पीछे जाएंगे नहीं और देखेंगे नहीं क्या हुआ है। तो अभी तक एविडेंस सपोर्ट कर रहा है कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म अर्थ सर्फेस पे बैक्टीरिया आया था, उसका फॉसिल भी हमें मिलता है। देन क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया CO2 को यूज़ करता है एंड ऑक्सीजन एटमोसफियर में रिलीज करता है एंड हमारे एटमोसफियर में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होने लगता है। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एटमोसफियर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाता है फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफियर। उसके बाद वो ट्रिगर करता है अर्थ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को। फर्स्ट हम देखते हैं अर्थ सरफेस पे कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, तो डेट वॉज ए यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ अ प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। प्रोटिस्ट क्या होता है तो हम आगे देखते हैं। देन उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है। यूनि सेलुलर मीन्स वन सेल, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स उसके बाद मल्टीपल सेल होता है। देन फंगी आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है। तो हम अगर इसको ऑर्डर करें, फर्स्ट बैक्टीरिया और सरफेस पे आएगा, दूसरा प्रोटिस्ट आएगा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांट एंड फिफ्थ इज एनिमल। हमारे पास जितने भी स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं, डेट इज मोनेरा, प्रोटोजोआ,
प्रोटिस्टिका, फंगी, प्लांटी एंड एनिमला। इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। प्रोटिस्ट हम इट इज अ मोनेरा, मोनेरा का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। प्रोटिस्ट सेकेंड आता है, उसका एग्जाम्पल है आल्गे है, प्रोटोजोआ है, देन फंगाई है, थर्ड आ रहा है। तो इस ऑर्डर में आपको देखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है प्लांट। प्लांट के अंदर भी हमें डिफरेंट मिलेंगे, फॉर्न मिलेगा, ब्रॉड लीफ मिलेगा, कॉनिफरस मिलेगा, डेसीडियस मिलेगा, एंड देन फिफ्थ इज एनिमल। सो दिस इज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ एटमोसफियर एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सर्फेस। इसके रिलेटेड दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए थे। वन क्वेश्चन उन्होंने प्रीलिम्स में पूछा था, एक ऑर्गेनिज्म का उन्होंने नाम दिया था और उन्होंने पूछा था कि इस ये कौन से किंगडम को बिलोंग करता है। सेकेंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जब अर्थ के एटमोसफियर का फॉर्मेशन हुआ, कौन से गैसेस अर्थ एटमोसफियर में अवेलेबल थे। सो इसके रिलेटेड आपके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप हमारे वेबसाइट abhinavs.org पे इसके रिलेटेड एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको इस लेक्चर रिलेटेड कुछ फीडबैक है, कुछ कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में उसको इम्प्रूव करवाएँ। तब तक आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।